देश में लाखों साधु संत हैं जो अपने कार्यों से सनातन की उन्नति में सहभागिता कर रहे हैं। कुछ साधु संत ऐसे हैं जो बड़े बड़े मठ मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो सेवा कार्यों से समाज की भलाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वैसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबारों के कारण देश भर में लोकप्रिय हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वे धर्म के साथ अपने सेवा कार्यों के कारण भी अपने श्रद्धालुओं में काफी विख्यात हैं। उदाहरण के तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकमात्र ऐसे संत हैं जो बागेश्वर धाम के दान पात्रों में पड़ी तमाम दान की गई राशि से गरीब बेटियों के विवाह करते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम पर हर सप्ताह लगभग 5 से 10 लाख लोगों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं। वे गायों के संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं और सनातन की तरक्की में भी अनेक प्रयास कर रहे हैं। अब उनके श्रद्धालु, उनके भक्त उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ये हैं बिहार से आए मुकेश कुमार। मुकेश कुमार बागेश्वर धाम के एक निष्ठावान श्रद्धालु हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से भले ही मुकेश कुमार अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन उनके कार्यों से इतने प्रसन्न हैं कि वे सरकार से उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। मुकेश कुमार बिहार पटना से हम आए हैं सर। हम यहाँ छठा बार आए हैं सर। मनोकामना मतलब हमारा बिजनेस कुछ कम चलता था, मगर जब से यहाँ आए हैं जब से बिजनेस एकदम चकाचक है सर। चाय पत्ती का रोजगार है सर। पहले क्या हो गया था बिजनेस? बिजनेस में कुछ डल चल रहा था सर, ना के बराबर। जब अब जो है सर कि बहुत अच्छा चल रहा है जब धाम पे आए हैं सर। अब जब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में सर, जो अच्छा खिलाड़ी कोई चीज़ में रहता है उसको भारत रत्न मिलता है सर, तो ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण को हमारे सरकार की तरफ से गुजारिश है कि ऐसे महापुरुष को भारत रत्न मिलना चाहिए। मुकेश कुमार ही नहीं, बागेश्वर धाम जिस गांव गढ़ा में स्थित है वहां के लोग भी कहते हैं कि महाराज के कारण उनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आया है। इन लोगों को सुनिए जो कहते हैं कि बागेश्वर धाम की ख्याति के कारण उनके गांव में रोजगार के नए साधन निर्मित हुए हैं। गांव के गरीब मजदूर और किसान पहले महानगरों की ओर जाते थे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, लेकिन अब गाँव में ही रोजगार के तमाम साधन निर्मित हो गए। अब सुविधाएं भी बढ़ गई और शासनाएं सुविधाएं हो गई। अब कोई बड़ी बड़ी दुकानें भी गांव में हो गई और जो गरीब आदमी थे उनके लिए मकान अच्छे बन गए उनके, और अब कोई सी कमी नहीं है गांव में। आज ये भी बढ़िया सुविधा है कि कहीं भी है 2 मिनट में कोई भी चीज़ चाहिए अपन को, 2 मिनट में बागेश्वर धाम आओ, तत्काल लेके चले जाओ। गाँव वालों को बहुत सुविधा है यहाँ पे। अब जैसे कोई कई लोग बेरोजगार हैं, दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाके वहाँ पर मजदूरी करते हैं वो लोग। अब ये है कि यहाँ पे बढ़िया फूल बेचते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, बस नारियल वो प्रसाद बेचते हैं। यहाँ पे रोजगार बढ़िया है लोगों को। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी की कृपा से दारू जुआ गांव का कूड़ा कचरा सब चला गया है और उनकी कृपा से गांव में बहुत उत्थान हुआ है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है। बाल बच्चे छोड़ कर अपने दिल्ली जाते हैं। अब हमारा धाम खुल गया तो अब इधर ही मजदूरी इधर ही कर रहा है, इधर ही खा रहा है। अब है अब प्रभु की कृपा हो गई तो यहीं पे मजदूरी कर रहे हैं। जब फूल बेच रहे तो 200-400 रुपया बना कर घर पे ले जाते हैं। सो अपनी दिल्ली नहीं जाए साहब, ये तो रोजगार दे दो बागेश्वर भोलेनाथ। यहाँ ऑटो वालों को एक बहुत अच्छा रोजगार मिला है और बहुत अच्छी रिस्पांस मिला है महाराज जी के धाम खुलने से, और पूरे जिले वासियों को और भरपूर रोजगार मिला है और कोई दिक्कत नहीं है।